मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पेपर के बहुत ही सुंदर से फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, देखिए, कुछ कलर शेड्स, सीजर, क्विलिंग नीडल और ग्लू। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने येलो कलर का पेपर लिया है। इसकी मैं इस तरह से, देखिए, एक लंबी स्ट्रिप काट लेती हूँ इस तरह से। देखिए, अब हम देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको काट लेंगे। इस तरह से इसमें कट लगा लेंगे। पूरा नीचे तक हमें नहीं लेके जाना है, नीचे से हमने इतना इतना छोड़ देना है, इतना इतना। इस तरह से देखिए पूरी स्ट्रिप को हमने इसी तरह से कटिंग कर लेना है। पूरी स्ट्रिप में हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, हमने इस तरह से पूरी स्ट्रिप में कट लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे देखिए एक और कलर के स्ट्रिप पेस्ट करेंगे इस तरह से। अब हम इसको रोल कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, रोल करना स्टार्ट कर देंगे। इसको अच्छे से पेस्ट कर देते हैं, अभी सूखा नहीं था हमारा। इस तरह से देखिए पूरी स्ट्रिप को हम रोल कर देंगे इस तरह से। देखिए, यहाँ पे आप थोड़ी सी गम भी लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। इसको यहाँ पे अच्छे से पेस्ट कर दें। अब हम देखिए इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। इस तरह से देखिए बीच में हमारा और कलर का ये सर्कल आ गया है। इस तरह से आप ही फ्लावर बना सकते हैं। देखिए, इन फ्लावर को आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी डेकोरेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। अपनी कोई फाइल का प्रोजेक्ट कवर, आपको कवर पेज उसका डेकोरेट करना है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये एक तरह का फ्लावर बना लिया है। अब हम दूसरी तरह का फ्लावर बनाते हैं। तो देखिए, फिर से हम एक स्ट्रिप लेंगे उसी तरह से। इस तरह से इसमें देखिए हम इस तरह से थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा छोड़ के इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं। हाफ पे हमने देखिए डिजाइनिंग कर ली है, तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे हमारे डिज़ाइन की। देखिए, मैं आपको पास करके दिखा रही हूँ हमने किस तरह से लीव जैसे फ्लावर की पेटल होती हैं उस तरह की शेप ड्रॉ की है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से देखिए कटिंग कर लेंगे हम। देखिए, हमने इस तरह से पूरी स्ट्रिप कटिंग कर ली है और आगे हमने देखिए इस तरह से डिफरेंट कलर की एक स्ट्रिप पेस्ट कर ली है। तो इसको भी हम रोल कर लेते हैं, उसी तरह से रोल करेंगे। इस तरह से देखिए पूरा हमने वैसे ही रोल कर लेना है और लास्ट में हम इसको पेस्ट कर देंगे।
देखिए हमने इस तरह से पूरा फ्लावर जो है वो रोल कर लिया है। अब हम देखिए आराम से एक एक पेटल को इस तरह से नीचे करेंगे, बहुत ही आराम से करना है, कहीं आपका पेपर फट ना जाए। तो इसीलिए देखिए इस तरह से एक एक पेटल को आपने इस तरह से धीरे धीरे नीचे करना है, इस तरह से। इस तरह से देखिए एक एक पैटर्न नीचे करते जाएंगे। देखिए हमने सभी पैटर्न तो इस तरह से देखिए नीचे कर लिया है, तो देखिए कितना सुंदर फूल बना है हमारा। तो इसी तरह से देखिए आप भी बनाइए, और अपनी ड्राइंग फाइल पे किसी पे आप डेकोरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के फ्लावर्स बना के आप उसको फ्रंट पेज को आप सुंदर बना सकते हैं। आपको फोटो फ्रेम बनाना है उसमें भी आप इस तरह के फ्लावर्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए। थैंक यू।